हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण जय माता जी वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो सब आप लोग आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे तो यहाँ मेरे सुबह का सब काम कंप्लीट हो गए हैं और मैं यहाँ रियांस का दूध निकाल रही हूँ सुबह के दस बज चुके हैं यहाँ मैंने चीनी का डब्बा तो ले लिया था लेकिन दूध ठंडा हो गया था तो रियास को ठंडा दूध में चीनी नहीं पसंद है इसीलिए मैंने यहाँ चीनी नहीं डाली है और बच्चे को ज़्यादातर चीनी नहीं देनी चाहिए और मेरे बच्चे दो है वो चीनी के बिना भी दूध पी लेते हैं तो मैं यहाँ रियास को दूध दे दूंगी और रियास भी आज बहुत खुश है कि वीडियो बना रही हो तो बहुत ही एक्साइटेड है आप देख रहे हो हाय भी कह रहा है और यहाँ मेरी मीसा भी सो गई है तो मैं यहाँ से पिलो ले लूँगी ताकि उसको गर्मी ना लगे रिया को दूध देने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि मैं सुबह के काम करके मैं थक गई थी इसीलिए बाद में मैंने आटा रेडी कर लिया है यहाँ रोटी के लिए तो यह मैं रोटी बना लूँगी पहले मैं रोटी बना लूँगी बाद में मैं, मैं सब्ज़ी बना लूँगी तो जब तक मिसा सो रही है तब तक मैं पहले ऐसे ही करती हूँ मैं रोटी का काम जो होता है वो कंप्लीट कर लेती हूँ बाद में वो मुझे परेशान करती है तो बच्चे हो तो घर में ऐसा ही होता है हम और चिराग को भी ठंडी रोटी चल जाती है अभी अगर बजो बजे है और चिराग एक बजे खाने के लिए आते हैं और आपको देख पे पता भी लग गया होगा कि मेरा प्लेटफॉर्म भी चेंज हो गया है तो प्लीज़ फ्रेंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपको पता लग गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है क्यों मेरा वीडियो इतने दिन तक नहीं आए होंगे आप थोड़ा बहुत तो पता लग ही गया होगा मेरा प्लेटफॉर्म देख के और गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है तो आपके यहाँ भी गर्मी कितनी है वो भी बताना जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हमें ऐसा भी चलता है यहाँ गरम गरम रोटियाँ हमें नसीब में नहीं होती है जब छोटे बच्चे होते हैं तो और मैं यहाँ रोटियाँ बना भी लूँगी और चीरा ठंडी रोटी खा भी लेते हैं ऐसा नहीं होता कि उसको गरम रोटी पर चाहिए होती है क्योंकि जब मैं गरम रोटी के लिए देर में बनाऊँगी और ऐसा भी हो सकता है कि मेरी रोटी कम्प्लीट ना हो मिसा के कारण और चीरा गा जाए इससे तो अच्छा है कि ठंडी सही पर खाने के टाइम में मिल तो जाए गर्मी के मौसम में हमें रोटियाँ बनाना भी इतना अच्छा नहीं लगता है तो इससे भी ये भी फायदा हो जाता है कि जल्दी रोटी बनाने से इतनी गर्मी भी नहीं लगती है तो आप देख सकते हो मेरी रोटियाँ फुली फूली बन रही है और हमें इतने ही ऐसी ही रोटी पसंद है मैं बहुत रोटी को जलाती नहीं हूँ जीरा को ऐसी रोटी पसंद नहीं है जब फूल जाती है तो रोटी में रोटी में तुरंत ही ले लेती हूँ गैस के स्टोव के ऊपर से तो प्लीज़ फ्रेंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा यहाँ मेरी रोटियाँ बन के कम्प्लीट हो गई है और आज मैं भिंडे की और आलू की सब्जी बनाऊँगी तो यहाँ मैंने भिंडे निकाल लिए हैं और मैं भिंडे को अच्छी तरह से साफ पानी से वॉश कर लूँगी तो फ्रेंड्स आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये मेरे भिंडे हैं वो ताज़े भिंडे नहीं है क्योंकि ये छोटा सा गांव है और गांव में डेली ताज़ी सब्ज़ी नहीं मिलती है इसीलिए तो मैं पिंडे पिंडे को अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी और एक प्लास्टिक के बाउल में रख लूँगी ताकि पिंडे अच्छी तरह से पानी निकल जाए पिंडे को वॉश करने के बाद मैं यहाँ आम को आ, सोल रही हूँ आप देख सकते हो और यहाँ रियाज भी बाजू में बैठा है मेरे तो बच्चे को ये सब देखना बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और आज तो मैंने कि, कितने दिनों बाद ये वीडियो बनाने का स्टार्ट किया है तो वो भी वो देख रहा है और हमारे यहाँ फ्रेंड्स चिराग और रियाज को आम का जूस पसंद नहीं है इसीलिए मैं आम कट कर, करके रख लूँगी तब जब तक चिराग आएगा तब तक आम भी ठंडे हो जाएंगे मैं यहाँ आम कट कर रही हूँ आप देख सकते हो यहाँ मैंने दो आम लिए थे बाद में मुझे लगा भी कि मैंने प्लेट जो ली है वो छोटी है पर लेकिन मैंने जैसे तैसे वो भी मैनेज कर लिए थे और यहाँ यहाँ उसको भी भूख लग गई थी तो उस, उसने टेटी ला के रख दी है फ्रिज में से तो मैं आम कट करने के बाद में उसको टेटी भी कट करके दे दूँगी और जो फ्रूट आते हैं मौसम में वो हमें खा लेने चाहिए तो यह हमारे घर में रोज़ फ्रूट होते हैं ज़्यादातर हमें हम जो मौसम में जो फ्रूट आते हैं वही घर में लाते हैं सर्दी के मौसम में जो फ्रूट मिलते हैं वो हम यहाँ अभी नहीं लाते हैं और बाज़ार में तो सब अब मिलने लगा है अब वो दवा से पकने पके हुए होते हैं इसीलिए हमें वो नहीं खाना चाहिए कभी तो ही बच्चों के जिद की वजह से हम लाते हैं वरना नहीं लाते और यहाँ मैंने कैरी कट कर आम कट कर लिया है अब मैं यहाँ टेटी कट कर लूँगी और रियाज को दे दूँगी तो रियाज यहाँ टेटी भी खा लेगा तब तक मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो जाएगी तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना ही होता है इसीलिए मैं घर में ये सब रखती हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ मैं कपड़े सुखा रही हूँ कपड़े तो मैंने सुबह ही वॉश कर लिए थे और यहाँ मेरी वॉशिंग मशीन नहीं है इसीलिए मुझे कपड़े हाथ से वॉश करने होते हैं तो मैंने कपड़े सुबह ही वॉश कर लिए थे लेकिन मैं जब रियास को दूध देने गई तब मैंने मुझे याद नहीं रहे और मैंने आराम किया और मैं तुरंत ही रसोई बनाने लग गई थी और याद आप देख सकते हो आपको लगेगा कि मैं किसके साथ बात कर रही हूँ तो यहाँ रियास खड़ा था रियास को कुछ ना कुछ सवाल पूछना ही होता है वो कुछ ना कुछ बातें करता ही रहता है कभी कभी तो मुझे इतना बोरिंग लगता है कि मुझको डांट भी देती हूँ और आप किस किस को ऐसा होता है मुझे मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ काम रखती हूँ और भूल जाती हूँ तो यहाँ मैंने भिंडे की सब्जी भी झोंक झोंक दी थी बाद में मैं यहाँ कपड़े सुखा रही हूँ और तब तक मेरी भिंडे की सब्जी सब्जी भी पक के रेडी हो जाएगी आपको मेरे कपड़े सुखाने की जगह भी चेंज दिखाई दे रही होगी कि मैं पहले कहाँ कपड़े सुखाती थी, थी और आज अब कहाँ सुखा रही हूँ तो देख सकते हो आप में यहाँ जगह बिल्कुल चेंज हो गई है मेरी कपड़े सुखाने की तो क्या लगता है आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और यहाँ खिड़की है तो मैं खिड़की से बाहर देख रही थी कुछ आवाज आई थी तो मैंने देखा कि क्या हुआ है लेकिन कुछ नहीं हुआ था और यहाँ यहाँ से जो मेरा वीडियो बना रहा है और मैंने ज़्यादातर कपड़े नहीं धोए हैं यहाँ हमारे यहाँ पानी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसीलिए डेली पानी नहीं आते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ फ्रेंड लाइक करना तो मत भूलिएगा आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो यहाँ शाम के पाँच बज चुके थे चिराग पी जो आपसे आ गए थे और मैंने यहाँ चाय भी बना ली थी और आप देख सकते हो मीसा की तो मीसा को पूरा डब्बा लेना होता है और डब्बे में जो है वो उसको निकाल के बस नीचे ही गिराना होता है तो आप देख सकते हो मीसा कैसे रुठ गई है वो उसको सब ही लेना होता है अपने हाथ से ही खाना होता है वो खाती कुछ नहीं और सब गिरा देती है सब उसको उसको कुछ इसमें पसंद ही नहीं वो सब नीचे ही गिरा देती है गर्मी के मौसम में हमें इतनी चाय पसंद नहीं है लेकिन चिराग जब जॉब से आते हैं तो चिराग को चाय चाय चाहिए होती है इसीलिए हम मैं भी साथ में चाय पी लेती हूँ और यहाँ रियाज खेलने गया था वो भी आ गया है खेल के और वो खाने के लिए मांग रहा है तो वो चाय और बिस्किट खाएगा रियाज कभी कभार चाय पीता है मैं रियाज को डेली चाय नहीं देती हूँ और आप मिसा को भी देख सकते हो उसका तो कुछ अलग ही चलता है कभी ये लेना होता है कब वो लेना होता है आप देख सकते हो वो चारों तरफ घूमेगी उसको डब्बा दिख खुला दिखा गया है तो वो डब्बा लेने के लिए आ गई है और इतनी ज़िद्दी हो गई है ना आप देख सकते हो उसको ये ए... छोटा सा बिस्किट पसंद ही नहीं आएगा उसको आखा बिस्किट ही चाहिए होता है तो वो नहीं ले लेंगी रियाज से उसको पूरा ही बिस्किट चाहिए होता है और मिसा के साथ मेरा टाइम कहाँ चला जाता है दिन का वो भी मुझे पता नहीं चलता और फ्रेंड मैं आपको ये भी बता दूँगी मैंने कुछ कारणों से मैंने घर चेंज किया है इसीलिए मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि पैकिंग करनी होती है बाद में हमें घर में भी सेट करना होता है तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और मीसा भी छोटी है तो फ्रेंड्स मैं आपको नहीं कह सकती कि अभी भी मेरा वीडियो डेली आएगा या नहीं आएगा मैं ट्राई जरूर करूँगी कि मैं डेली वीडियो बना पाऊँ और यहाँ मैं फ्रिज में जब पानी लेने गई तो आप देख सकते हो दो ही दो बोतल खाली मुझे मिली रिया और चिराग दोनों ऐसे ही करते खाली बोतल फ्रिज में छोड़ देते हैं तो आप देख सकते हो बॉटल मुझे ही भरनी होती है और एक फ्रिज के ऊपर से भी मुझे खाली बॉटल मिली तो यहाँ मैंने तीन बॉटल निकाल ली है आप देख सकते हो तीनों तीन, तीन बॉटल खाली हो और यहाँ मैंने तीन बॉटल भर ली है पानी की तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लग गया होगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाय